महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद देश का नया राष्ट्रपति चुनने की जंग अब एक तरफा होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की एक तरफा जीत की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही हैं। बदले समीकरणों के बीच अब विपक्षी खेमा भी इसे स्वीकार करता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने के लिए बैठक पर बैठक करने वाली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी अब ये स्वीकार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के ज्यादा चांसेस हैं। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नाम लेते हुए चुटकी ली है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा है कि विपक्षी दल भी राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते थे अगर बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारने से पहले उनसे चर्चा की गई होती। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत की अधिक संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए का संख्या बल बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि आम सहमति वाला उम्मीदवार देश के लिए हमेशा बेहतर होता है। अगर बीजेपी ने उनके नाम के ऐलान से पहले हमसे भी बात की होती तो हम निश्चित रूप से व्यापक हितों का ध्यान रखते हुए इस पर विचार करते। उन्होंने ये भी साफ किया कि टीएमसी विपक्षी दलों के निर्णय के मुताबिक ही चलेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे मन में सभी धर्म, जाति और पंथ के लिए बराबर सम्मान है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो। हमें महिला उम्मीदवार को उतारने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं अकेले फैसला नहीं कर सकती थी। ममता बनर्जी ने साथ ही कहा कि राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान हो रहा है, मुझे इसका दुख है। दलित और सभी जनजातियां हमारे साथ हैं, हम लोगों में बंटवारा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर इस बयान को लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता ने ये बयान पीएम मोदी के इशारे पर दिया है। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के साथ गुप्त समझौता किया है जो फिर से उजागर हो गया है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को सनकी बताते हुए कहा है कि अब वो बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जब संख्या सुनिश्चित कर ली तब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर तंज किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि देउचा पचामी में जनजातियों की जमीन कब्जा करने की असफल कोशिशों के बाद ममता बनर्जी को पता चला है कि उनकी छवि महिला और आदिवासी विरोधी बन रही है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा है कि क्या वो राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को छोड़ देंगी। बता दें कि यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में ही थे। ममता की कोशिशों के बाद ही यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने मिलकर राष्ट्र पद का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन चुनाव से पहले ही हालात बदल गए हैं। डीआरवी न्यूज ब्यूरो, मुंबई।